जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देने का काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार के शोषित पीड़ित दलित लांछित की तरफ से इन्हें बधाई देने आया था। बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है, और बिहार की जनता को खुशी है, हमारे परिवार लोगों को खुशी है, सारे संबंधियों को खुशी है, और बहुत बड़ा काम हो गया है। हम लोग को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब हम लोग को पता चला, रात में ही पता चला हम लोग को, जब टेलीविजन में आना शुरू हुआ कि भी भारत रत्न की घोषणा की गई, तो बहुत खुशी हुई है। पूरे गांव में खुशी हुई, लोगों ने पटाखे छोड़े, गांव मिठाइयाँ बांटी, जैसे लग रहा था कि नई दिवाली आ गई है। हम लोग के लिए वो दिवाली का दिन था। और जब दूसरे दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पापा को फ़ोन किया, मैं भी सुन रहा था, उनके सामने फ़ोन किया था, उन्होंने जरूर, मैं खुद ही सबका नाम लेकर बताया कि बच्चों के साथ आप आइए, और मुझे तो लग रहा था माननीय प्रधानमंत्री हमारे घर के ही हैं। बहुत बहुत खुशी हुई। ये तो दादा को ये भारत रत्न मिला, ये सबसे बड़ी खुशी है, मतलब कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता, स्पीचलेस है। और उसके बाद ये प्रधानमंत्री जी हम लोगों को बुलाए, इतना रिस्पेक्ट दिए, इतने टाइम दिए अपना, और इतना वक्त, और मतलब बहुत अच्छे से बात हुई हम लोगों को, मतलब मैं तो देख ली उन्हें, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो गई। बहुत गर्व महसूस हो रहा कि नरेंद्र मोदी जी ने मेरे दादाजी का नाम सेलेक्ट किया। किसी में ये ऐसा साहस नहीं था कि जो मेरे दादाजी को ऐसा रत्न, भारत रत्न का सम्मान मिले। मोदी जी ने ये बहुत 20वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ मोदी जी की कि इतना बड़े सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। माननीय मोदी जी नहीं होते तो ये कभी भी उनको नहीं दिया जाता, क्योंकि मोदी जी हर एक आदमी के बारे में सोचते हैं, और उन्हें पता है कि कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिनका अनुकरण पूरा देश करेगा। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा शोषित वंचितों की आवाज़ उठाते रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मेरे दादाजी को भारत रत्न से सम्मानित किया है, और जो कि बहुत ही बड़ा काम उन्होंने किया है, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया।